हानियाज किचन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं फॉइल सॉस चिकन बनाऊंगी। आपने अक्सर फॉइल चिकन शादियों या दावतों में ज़रूर खाया होगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में आसानी से बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने इंग्रेडिएंट्स 5 से 6 चिकन ड्रमस्टिक्स के हिसाब से लिया है। गैस को हम मीडियम आँच पर रखेंगे। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून जितना तेल ले लीजिए। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून खड़ा धनिया। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स को मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। 5 से 6 कड़ी पत्ता हम तोड़कर तेल में डाल देंगे। 1 मिनट के लिए हम इसे सॉटे कर लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू तेल में आ जाए। ये मैंने 1 मीडियम साइज प्याज को बारीक सा चॉप कर लिया है। इसे हल्का गुलाबी होने तक हम सॉटे कर लेंगे। गैस को आप मीडियम आँच पर ही रखिए। ड्रमस्टिक्स को मैंने अच्छे से वॉश करके हल्का से 2 से 3 चीरा लगा दिया है ताकि मसाला अच्छे से अंदर तक चला जाए। अब हम चिकन को एक एक करके प्याज में डाल देंगे और तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट तक सॉटे करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसलिए ज़्यादा लेते हैं कि जो हल्की सी महक आती है चिकन में वो ख़त्म हो जाती है लहसुन अदरक के पेस्ट से। 1 टेबलस्पून चिकन तंदूरी मसाला। अगर आपके पास चिकन तंदूरी मसाला नहीं है तो आप चिकन गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि आगे हम चाइनीज़ सॉसेस डालेंगे तो उसमें भी नमक रहता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक अभी डाला है। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए मसाला एकदम अच्छे से चिकन को कोट कर दिया है। अब डालेंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर। अच्छे से मिलाने के बाद गैस को हम स्लो आंच पे कर देंगे। ढक के 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटर हल्का सा गल जाए। 3 से 4 मिनट बाद देखिए चिकन और टमाटर दोनों ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप जितना पानी। अच्छे से मिलाने के बाद हम गैस को मीडियम से तेज़ आंच पे रखेंगे। फिर इसे ढक के हम इतना पकाएंगे कि चिकन हमारा 80% तक पक जाए और पानी अच्छे से जल जाए। आप बीच बीच में चिकन को चलाते रहिएगा ताकि हमारा चिकन और मसाला जले नहीं। देखिए हमारा पानी एकदम अच्छे से सूख गया है और मसाला भी पक गया है, हमारा चिकन भी गल गया है। अब हम इसमें डालेंगे चाइनीज़ सॉसेस। 2 टेबलस्पून शेजवान सॉस, 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। अच्छे से सॉसेस को चिकन में मिला लीजिए। चाइनीज़ सॉसेस को हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं। 1 मिनट तक सॉटे करने के बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालिए। अगर आपको थोड़ा सा लुटपुटा चाहिए तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी भी डाल सकते हैं। फिर ढक के हम इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसे फॉइल में ले लेंगे। इस तरह का सिल्वर फॉइल ले लीजिए, सेंटर में चिकन का पीस रखिए। अगर आपको इसको कोयले का धुआं देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। कोई कोई शादियों में अगर आपने खाया होगा तो वो धुआं भी देते हैं। बीच में रखेंगे कोतमीर और नींबू। इसके बाद हम फॉइल को अच्छे से रैप कर लेंगे। शादियों जैसा गर्मा गर्म सॉस फॉइल चिकन रेडी है। आप इसे इस तरह भी खा सकते हैं या फिर रोटी या नान के साथ खाएं।